वक्त अनुप्रिया जी का रुख कर लेती हूँ। अनुप्रिया जी, क्या ये नीतीश कुमार की कोशिशों को झटका है? क्योंकि दिल्ली में हमने देखा वो तो अरविंद केजरीवाल से भी मिल रहे हैं, तमाम नेताओं से मिलने की उनकी कोशिश है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। नहीं विपनेश जी, मुझे लगता है कि कर्नाटका के चुनाव के बाद जो परिणाम आया है वो शपथ ग्रहण है, उसको शपथ ग्रहण के रूप में ही देखा जाए। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अन्य दल जिनसे मुलाकात हुई थी, ममता बनर्जी ने भी कहा था कि बिहार वो धरती होगी, वो जगह होगा जहां पे हम सभी एकजुट होंगे, तो ये पहले से घोषणा है। और मुझे लगता है सारे दल एक साथ में कर्नाटक चुनाव के जो शपथ ग्रहण के बाद में फिर लोग एकजुट होंगे और बिहार की वह धरती होगी जहां आपको एकजुटता देखने को मिलेगी। तो कल के शपथ ग्रहण को मुझे लगता है कि विपक्षी एकता का मंच नहीं किया जाए, और ये कांग्रेस की अपनी एक इच्छा है। और अभी तक आधिकारिक सूचना किसी के पास में नहीं है कि इनको इन्विटेशन मिला है या नहीं मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम सम्मिलित होंगे, तो किसी भी तरह से बीजेपी के लिए खुश होने का समय नहीं है। क्योंकि अगर ये कर्नाटका के रिजल्ट को देखेंगे, 73% से आकर ये 44% पे आ गए हैं। इनकी लोकप्रियता इतनी घट गई है कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी का पग पड़ा वहां वहां ये चुनाव हारे हैं। तो यह बीजेपी के लिए चिंता की विषय है कि इनके अब विचारधारा या इनके कार्यों को देखकर के देश के और राज्यों की जनता ने भी समझा है कि यह अब विश्वास के काबिल नहीं है कि इन पे हम विश्वास जता सके। तो विपक्ष एकजुट होना है और ये बिहार की धरती पे होगा, क्योंकि एकजुटता इसलिए है। और मैं कहती हूँ कि कर्नाटका के चुनाव का परिणाम विपक्ष एकजुट कैसे होगा अनुप्रिया जी? नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि चुन चुन नेताओं को इनविटेशन तो गया ही है ना, ऐसा लग रहा है कि चुन चुन के इनविटेशन दिया गया, और जिनको नहीं दिया है उसमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इनकी जरूरत नहीं है, जबकि नीतीश कुमार ऐसा नहीं मानते, वो चाहते हैं कि सारे के सारे आएं एक ही छत के नीचे। देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस एक बड़ा दल है और इसके साथ हमें आना होगा। और राजीव जी अभी आपके सहयोगी ने स्पष्ट कहा कि जो राज्यों में जिनके साथ में कांग्रेस की सरकार है, सहयोग की सरकार है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री का होना या उनका होना अनिवार्य है एक तरह से, अगर राजनीतिक उसको परिदृश्य में आप देखा जाए। लेकिन जहां पे कांग्रेस के साथ में जिनकी सरकारें नहीं है वहां के मुख्यमंत्री का होना, मुझे लगता है कि राजीव जी ने कहा कि यह बहुत ही जरूरी नहीं है। फिर मैं कहूंगी कि इसको किसी भी तरह से राजनीतिक रूप देने का तैयार करने का कोशिश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शपथ ग्रहण है। और मैं फिर कहती हूं कि आपको कुछ ही दिनों में, कल के बाद ही एक समय और एक तिथि तय होते नजर आएगा जब विपक्षी एकता का मंच बिहार की धरती पे होगा, और सारे नेता जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो आपके दल के नेता हो या ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक जी ने अभी वो क्लियर उनका हो जाएगा, कई और नेता है, सभी एक मंच पे होंगे। और विपक्ष की मजबूती को देखकर भाजपा इसी तरह से तिलमिलाएगी, उनके पेट में दर्द होगा और अनर्गल विलाप करते नजर आएंगे ये, और 2024 जो है भारत भाजपा मुक्त होगा।